जहाँ पर ना कहो। आपको इस वक्त तकलीफ देने की माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो कहो क्या बात है। हुजूर, मेरी भतीजी के बारे में है। उसके माता पिता को एक डाकू ने कुछ महीने पहले मार दिया। बहुत बुरा हुआ, आगे बताओ। वो कहती है कि वो डाकू एक साधु के भेष में रह रहा है। वो सिर्फ 10 साल की है हुजूर, पर मुझे लगता है कि वो सच बोल रही है। खैर, अभी हमारे सोने का वक्त हो गया है, लेकिन कल सुबह उसे दरबार में ले आना, हम इस पर गौर करेंगे। शुक्रिया जहां अपना, आपको तकलीफ देने के लिए एक बार फिर माफी चाहता हूं। बीरबल, सुखदेव सिंह जी, कल रात हमारे एक भरोसेमंद और वफादार सिपाही ने हमें अपनी एक समस्या बताई। हुजूर, हमें बताएं हम कैसे मदद कर सकते हैं और समस्या क्या है हुजूर? सुखदेव सिंह जी, हमने आपको अपनी राजधानी और इसके चारों ओर आसपास के इलाकों के सारे डाकुओं को पकड़ने का काम सौंपा था। उस सिपाही ने हमें बताया कि एक डाकू ने कुछ महीने पहले उसके भाई को मार डाला। बताइए, क्या आपने सारे डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है? हुजूर, हम तकरीबन सबको पकड़ने में कामयाब हो गए थे, सिवाय एक डाकू के जिसको हम नहीं पकड़ पाए। उसकी तलाश अब तक जारी है और वो शायद छुपा बैठा है। मुझे यकीन है कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। वैसे भी पिछले 3 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। आपका मतलब है कि एक डाकू अब भी आजाद है? लेकिन हुजूर, आप समस्या बताइए, शायद हम मदद कर सकें। उस सिपाही ने हमें बताया कि उसकी भतीजी ने उस डाकू को पहचान लिया है, मगर वो एक अंधे साधु के भेष में रह रहा है। हम एक छोटी सी बच्ची का यकीन भला कैसे करें? और फिर काफी लोग उस साधु की शक्ति में विश्वास करते हैं। हुजूर, कोई भी जादूगर अपने माया जाल से गरीब भोले भाले लोगों को अपने चमत्कारों से लुभाता है। थोड़ी सी जानकारी मिलने पर हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्यों ना हम उस सिपाही और उसके भतीजी को मिलकर उनकी कहानी सुने? हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। सिपाही, दिलावर सिंह और उसकी भतीजी को दरबार में पेश किया जाए। आदाब जनाबना। आदाब। अब हमें पूरी कहानी बताओ। जनाबना, करीब 3 महीने पहले एक डाकू मेरे भाई के घर में घुसाया। मेरे भाई और उसकी पत्नी को उसने मार डाला। ये छोटी बच्ची उनकी बेटी है और उस हादसे की गवाह भी। उस हादसे के बाद से भारी सदमा लगने के कारण इसने अपने बोलने की शक्ति खो दी। फिर क्या हुआ? कुछ हफ्ते पहले मैंने एक अंधे साधु के बारे में सुना जो जंगल में रहते हैं, जो लोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। काफी रोगी उनसे मिलने के बाद ठीक हो जाते और सुकून पाते। मैंने सोचा अगर वो सचमुच एक अंतर्यामी है तो शायद वो मेरी भतीजी के बोलने की शक्ति भी वापस ला सकेंगे। इसलिए मैं उन अंधे साधु से मिलने गया। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, मेरी भतीजी जोर जोर से चिल्लाने लगी, खूनी कातिल, इसी ने मेरे माता पिता का खून किया है, कातिल खूनी। ये लड़की क्या बोल रही है, इसे चुप कराओ। ये तो चमत्कार हो गया। अपने माँ बाप के मरने के बाद तो इसने महीनों तक एक शब्द भी नहीं कहा। साधु महाराज की कृपा से इसकी आवाज वापस आ गई है। नहीं नहीं, ये कातिल है, मैं ये चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ये कोई साधु नहीं है, ये खूनी है। तुम इसका मुंह बंद करवाओ, ये हमारे साधु महाराज की बेइज्जती कर रही है जिसने इसकी आवाज इसे लौटाई है। नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये छोटी बच्ची है, काफी सदमे में है। तुम्हें साधु महाराज के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उन्होंने तुम्हारी आवाज वापस लौटाई है। ये साधु नहीं खूनी है। तुम इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसकी बोलने की शक्ति इसे वापस ले लूंगा। इसे माफ कर दीजिए साधु महाराज, ये नहीं जानती है क्या बोल रही है। चलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम अपनी आवाज फिर से खो दो। जहांपना, मैं इसे घर ले गया, पर अब ये जिद कर रही है कि वो वही चेहरा था और कि ये सच बोल रही है। मुझे भी यकीन हो गया है हुजूर,
पर हमारे पास कोई सबूत ही नहीं। लेकिन ये कैसे साबित होगा कि ये अंधा साधु एक ढोंगी है? हुजूर, हम पता लगा सकते हैं कि ये आदमी सही में एक साधु है या फिर एक ढोंगी। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? ठीक है, हम कल खुद जाकर उस साधु से मिलेंगे। साधु महाराज, आओ बेटा। हमने आपकी शक्ति और चमत्कारों के बारे में इतना कुछ सुना है कि हमें आना पड़ा। ओ, ये तो विश्वास की बात है। ऊपर वाले की शक्ति में विश्वास रखो और कुछ भी हो सकता है। ये आपका बड़प्पन है साधु महाराज। हम कुछ प्रसाद चढ़ाने आए हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है। यही है वो बेईमान खूनी। मैं अभी उसका सर काट दूंगा। कातिल, दरिंदा कहीं का डाकू। तो तुम अंधे हो? सिपाहियों, इस नकली साधु को गिरफ्तार कर लो। तुमने इस मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया और लोगों के विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसके लिए हम तुम्हें मौत की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इस आदमी को। तुमने निडर होकर बहादुरी से सच्चाई का साथ दिया है मेरे बच्चे। इसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। शुक्रिया जहांपनाह। शुक्रिया जहांपनाह। शुक्रिया अदा करो बीरबल का। उसी के कारण इस ढोंगी साधु की असलियत सामने आई। ओ, ये आसान था हुजूर। कोई भी स्वाभाविक रूप से खतरे में अपनी सुरक्षा अवश्य करेगा, अगर वो सच में अंधा नहीं हो तो। इसलिए पकड़ा गया। शुक्रिया राजा बीरबल।